सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेसर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू द प्रोफेसर एकेडमी। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने मिरर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। आइए बात करते हैं एक नए ऑप्टिकल डिवाइस की। उस ऑप्टिकल डिवाइस का नाम है लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, जैसे ग्लासेस हो गए, दूरबीन है, माइक्रोस्कोप है या फिर टेलीस्कोप है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं लेंस होता क्या है। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रेक्टिव मीडियम। सो लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रेक्टिंग मीडियम है। सो आप ट्रांसपेरेंट से क्या जानोगे? ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसमें से लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। और रिफ्रेक्टिंग मीडियम मीन्स थ्रू विच लाइट कैन बेंड। सो लाइक अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में से लाइट क्या कर जाती है, ट्रेवल भी करती है और लाइट क्या करती है, बेंड भी करती है। सो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रेक्टिव मीडियम विद वन और मोर बाउंडेड कर्व्ड सरफेसेस। लेंस की एक या एक से ज्यादा क्या होती है, सरफेसेस कर्व्ड होती है। ठीक है, तो लेंस क्या होता है? जब लाइट लेंस के ऊपर फॉल करती है, लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन एवर लाइट फॉल्स ऑन द लेंस, तो फॉल करने के बाद लेंस क्या करेगा, लेंस लाइट को या तो कन्वर्ज कर लेगा या तो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, हमें पता है दीज आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। वन इज नोन एज कॉनकेव लेंस, सेकेंड वन इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉनकेव लेंस इज लाइक अ दिस, इसकी शेप इस तरह होती है, कॉनकेव। कॉनकेव नाम से क्लियर हो रहे हैं, जो इसकी सरफेस है, दिस इज द केव लाइक सरफेस। इट इज इनवर्ड कर्व। ओके, सो जो इसका मिडल पार्ट होता है, दिस मिडल पार्ट, ये क्या होता है हमारे पास, थिन। मिडल पार्ट इसका थिन होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। जितनी भी लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, कॉनकेव लेंस के ऊपर, सारी लाइट रेज को क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा। ओके, सेकंड हमारे पास क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये सेंटर से क्या होता है, मिडिल पार्ट क्या होता है इसका, थिक। एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस। इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। ये जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर फॉल करेंगी, सबको क्या कर देगा, एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज। ये देखिए एक लेंस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई रे इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, ये क्या करेगा, उसको किसी सिंगल पॉइंट पे क्या करेगा, फोकस कर लेगा। सो दीज आर द कॉन्वेक्स लेंस। सो दीज आर नोन एज द कॉनकेव लेंस। सो लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने। सो ये हमारे पास उसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। हमें पता है जब लाइट रे इस पैरलर, जब लाइट रे पैरलर ही क्या करेगी, इस सरफेस को क्या करेगी, यहां से स्ट्राइक करेगी। ठीक है, लेंस पे क्या करी, स्ट्राइक करी। ठीक है, तो हमें पता है बाहर मेरे पास कौन सा मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। बाहर हमारे पास बच्चों कौन सा मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम को हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अंदर मेरे पास कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है, तो क्या करती है, बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। सबसे पहले हम क्या प्लॉट करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट करेंगे, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। जब मैंने नॉर्मल प्लॉट किया तो लाइट यहां से क्या करेगी बच्चों, लाइट क्या करेगी, यहां से देखो बेंड करेगी। ठीक है, अब लाइट ने कहां से जाना है, डेंसर से कहां जाना है, रेयरर मीडियम में जाना है। जब डेंसर से रेयरर जाती है, आपको मैंने एक बात बताई थी, जब डेंसर से डर, एक वर्ड याद रखो, डर, डर का मतलब, डी का मतलब डेंसर,
आर का मतलब रेयरर, जब भी लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी तो इसका मतलब ए का मतलब यहाँ पे क्या है अवे, वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी बेंड अवे, ठीक है नॉर्मल। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या प्लॉट करेंगे, नॉर्मल प्लॉट करेंगे, ठीक है। लाइट ने जाना कैसे था, ऐसे लाइट क्या कर जाएगी नॉर्मल से दूर चली जाएगी लाइक दिस। सो यहां से भी लाइट ऐसे ही करेगी, यहाँ पे हम नॉर्मल प्लॉट करेंगे, यहां से लाइट बेंड करी, सो बेंड करने के बाद यहां से पास, जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी आफ्टर पासिंग थ्रू दिस ग्लास इट विल बेंड एंड दे विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट, सब रेज एक सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगी, जहां पे वो मीट कर जाएंगी उसको, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं। और जो लेंस का सेंटर होता है, जो लेंस का सेंटर होता है उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाय ओ। जो ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस तक का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। सो इसके कुछ रूल्स हैं, लाइट कैसे रिफ्रेक्ट होती है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है, जो ये सरफेस है ये एक कर्व सरफेस है, ठीक है, ये दूसरी कर्व सरफेस है, जो एक कर्व सरफेस है ये किसी सफियर का ही पार्ट है, ठीक है। जो मेरे पास सेकेंड कर्व सरफेस है वो किसी सेकेंड सफियर का पार्ट है, ठीक है, दिस इज द सिमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है, ये सेंटर से क्या पास कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ओके। जो ये मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं हम, बाय कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोलते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय क्यों बोला, क्योंकि इस लेंस की मेरे पास क्या है, दो कर्व सर्फेसिस है, एक कर्व सर्फेसिस वन टू, ठीक है। इस सेकेंड वाली कर्व सरफेस का देखो बच्चों, ये सफियर इधर वाली साइड बन रहे हैं तो सेकेंड ये सरफेस है तो इसका सेंटर क्या होगा, सी टू, ठीक है। टू क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सेकेंड का सेंटर है वन, इसका सेंटर क्या है मेरे पास, सी वन। अगर इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो इसके फोकस भी कितने होंगे, दो ही फोकस होंगे हमारे पास, ठीक है। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस हमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट रूल हमें यही बोलते हैं, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज सिमेट्रिकल फ्रॉम बोथ साइड्स। जब भी रेज, पहला मेरे पास यही है, अगर कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो बेंड होगी, कहां से पास कर जाएगी, फोकस से पास करेगी, ये पहला रूल है। सेकेंड रूल क्या बोलते हैं, अगर कोई रे फोकस से पास करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड रूल क्या बोलते हैं हमें, देखिए हमारे पास लेंस है, ये क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरे पास इधर भी फोकस, दिस भी फोकस, दो फोकस है, ओके। तो जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी इट विल रिमेन अनडिविएटेड, जैसे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जैसे ऑप्टिकल सेंटर से क्या आ जाएगी, अनडिविएटेड, दिस इज अ अन डिविएटेड रे। फर्स्ट रूल क्या है, इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पास थ्रू फोकस, अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और सेकेंड रूल हमें क्या बोलते हैं, अगर ऑप्टिकल से पास करेगी तो ये क्या रहेगी, अनडिविएटेड। सो दीज आर द सम रूल्स ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। सो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन दो रूल्स की मदद से इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।